दोस्तों, अगर आप भी एक 4G मोबाइल लेने वाले हैं और आपका बजट 6,500 रुपया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 मोबाइल फ़ोन बताया हूँ जो कि 6,500 में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि वो फ़ोन कौन कौन से हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप 5 से 6 हज़ार के अंदर भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाया हूँ जिसमें 4,500 से लेकर 6,000 के अंदर आने वाले फ़ोन के बारे में बताया हूँ, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाकर आप उन सभी फ़ोनों को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और गैजेट्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर फोन है वो है Realme C2। इसमें 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 6.1 इंच का HD+ डिस्प्ले है, MediaTek का P22 प्रोसेसर है जो कि 2.0 GHz में क्लॉक्ड है, 13+2 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, 4000 mAh का बैटरी और इसका प्राइस है 6,499 रुपया। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है सैमसंग M01 कोर। इसमें 1GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, MediaTek 6739 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, 5.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, 8 MP का रियर कैमरा मिलता है और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, 3000 mAh का बैटरी है और इसका प्राइस है 6,499 रुपया, यानी कि 6,500 रुपया में ये फ़ोन आपको मिलता है। इसके बाद आता है लावा Z61। इसमें 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले है, 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, 3000 mAh का बैटरी है और क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसका प्राइस है 5,999 रुपया। इसके बाद आता है नोकिया 2.1। इसमें 1GB रैम, 8GB स्टोरेज है, 5.5 इंच का डिस्प्ले है, 8 MP का रियर कैमरा और 4000 mAh का बैटरी है और इसका प्राइस है 6,500 रुपया। पांचवा है माइक्रोमैक्स भारत 4+। इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज मिलता है, 5 इंच का डिस्प्ले है, 8 MP का रियर कैमरा है और 3000 mAh का बैटरी है, क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसका प्राइस है 6,199 रुपया। तो फ्रेंड्स, यही 5 फ़ोन हैं जो 6,500 में मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई सा भी फ़ोन बाय कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए गैजेट्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।